ये वाली मटर की कढ़ी है ना, ये महाराष्ट्र के कोंकण रीजन से आती है। तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि इस कढ़ी में ये लोग डालते हैं नारियल एंड वहाँ के सिलेक्ट स्पाइसेस, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बचपन में मैंने इसे बहुत खाया है क्योंकि मैं कोंकण बहुत जाती थी। तो इसके बेस के लिए यानी कि फोड़नी के लिए तैयार करेंगे, तड़के को मराठी में फोड़नी बोलते हैं। जो मसाले मैंने दिए हैं इन्हें डालना है, इसका पानी डाल के पेस्ट बना लेना है और इसे साइड में रख देना है। अब एक कप दही में बेसन डाल के एक चम्मच अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब तेल में डालना है थोड़ा सा मस्टर्ड, जीरा, रेड चिलीज या ग्रीन चिली, थोड़ी सी हींग। इसके बाद इसमें डालेंगे नारियल का जो हमने पेस्ट बनाया था वो, इसे बहुत अच्छे से भून लेना है। नारियल को बहुत अच्छे से भून के इसका जो ऑयल है वो रिड्यूस करना है। इसके बीच में इसके अंदर डालना है रेड चिलीज, थोड़ी सी हल्दी एंड ये है गोड़ा मसाला जो कोंकण में बहुत फेमस है। इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप पाव भाजी मसाले से। इस बीच हम इसके अंदर मटर भी डाल देंगे एंड बहुत अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जब हम दही ऐड करने वाले हैं तो जो दही है वो फटे नहीं। रेसिपी सब्जी क्या बनाओ इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं तो पेज को फॉलो करना नहीं भूलें, क्योंकि मैं शेयर करती हूँ ईजी और नई रेसिपीज़ सब्जी की रोज़। तो नमक एंड थोड़ा सा शक्कर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, ढक के रख देंगे 4 से 5 मिनट तक, तब तक जब तक बेसन बहुत अच्छे से कुक हो जाए। सर्व करेंगे गर्मा गर्म राइस के साथ।